बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो लास्ट टाइम हम फ्लाई व्हील की जो डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें जो हमने लास्ट जो हमारी स्लाइड थी उस पे हमने ये कवर किया था कि वर्क डन जो है पर साइकिल वो किस तरह, हमने दो तरीके पढ़े थे निकालने के, जो है ना उससे आप वर्क डन पर साइकिल जो है ना निकाल सकते हैं। एक आपके पास है टी मीन मल्टीप्लाई बाय थीटा। टी मीन का जो है फार्मूला क्या होता है वो हमने देखा था कि इसमें आपके पास जो फार्मूला है वो उसमें इसके थ्रू टी पावर के थ्रू मल्टीप्लाई बाय 60/2 पाई एन के साथ जो है ना, या पी बाय ओमेगा के साथ हम टी मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और थीटा के पास क्या है, एंगुलर एंगल टर्न इन रेडियन पर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आप इससे भी जो है वर्क डन पर साइकिल निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड था जिसपे हमने जो है ना वो वर्क डन निकाला है वो पावर मल्टीप्लाई बाय जो है ना वो 60/N। तो इस एन जो है के पास नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट्स हैं, तो इसके दो हमारे पास जो है ना वो तरीके हैं वर्क डन पर साइकिल निकालने के लिए। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें जो है ना वो फ्लक्चुएशन की एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील की जो है ना वो थोड़ी सी डाटा उसकी जो है इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्या आपके पास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन द फ्लाई व्हील अब्सॉर्ब एनर्जी स्पीड इंक्रीज एंड वेट्स गिव अप एनर्जी स्पीड डिक्रीज। ठीक है, जब वो फ्लाई व्हील जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, और वैसी बात है जब वो एनर्जी देता है तो उसकी जो है ना स्पीड डिक्रीज होना शुरू होती है। तो हम क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक फ्लाई व्हील है जिसका जो है ना मास है एम इन केजी के अंदर, और के जो है ना रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील इन जो है ना वो मीटर्स है, और आई जो है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट द एक्सेलरेशन इन केजी पर मीटर स्क्वायर, और एम के स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। एन वन एन टू जो है ना मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल आर पी एम है, ओमेगा वन ओमेगा टू मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड से। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, और उसमें जो है ना आपके पास कैपिटल जो है ना वो मीन स्पीड है ड्यूरिंग द साइकिल इन आर पी एम, जो कि हम एन वन प्लस एन टू डिवाइड बाई टू के साथ वो कर लेते हैं उसको। और इस तरह ओमेगा जो है ना मीन एंगुलर स्पीड जो है ना आपके पास वो है ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ जो है ना वो सी एस जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, जो कि हम निकालते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था, एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई एन, और जो है ना ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइड बाई ओमेगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके जो है ना हम इससे आप जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तीसरा भी तरीका था हमने पढ़ा था, इन तीन जो है ना वे से जो निकलना हमारा यहाँ पे क्योंकि कंसर्न इनके साथ है। तो इसकी जो है इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं कि जो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है उसमें जो है ना वो उसको किस तरह निकालते हैं। तो उसमें हमारा ऑब्वियस ही बात है, जब आपका एक फ्लाई व्हील घूमता है तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लाई व्हील घूम रहा है, तो इसमें जो है ना एक कोई ना कोई जो है ना काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जिसमें एक इनिशियल जो है ना काइनेटिक एनर्जी है, एक जो है ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है आउटपुट लेने के बाद। तो उसमें जो है ना अगर हम काइनेटिक एनर्जी का जो है ना वो ले, तो आपके पास जो है ना वो हम इसकी फ्लाई व्हील काइनेटिक मीन काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास हाफ मल्टीप्लाई बाय आई ओमेगा स्क्वायर आ जाते हैं। ठीक है, आई जो है ना आपके पास अगेन जो है ना वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शी आ गया, और जो कि इक्वल होता है एम के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, एम तो ये अभी क्वेश्चन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन आगे बाद दो जो भी आपको जो है ना सूटेबल, या अगर आगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शी की आप डायरेक्ट उसको पुट कर सकते हैं। अगर आपने मैथ की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको जो है ना इस उसके थ्रू जो है ना वो लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपका न्यूमेरिकल किस तरह का बेस कर रहे हैं, तो जो है ना उसमें आप उसको इस तरह ले सकते हैं। तो एज द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील चेंजेस फ्रॉम ओमेगा वन टू ओमेगा टू, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एनर्जी जो है ना आपके पास क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक जो है ना उसके अंदर जो चेंजिंग आई है एक मिनिमम से जो है ना वो मैक्सिमम गया है, या मैक्सिमम से मिनिमम गया, जो भी आपके पास जो है ना वो क्राइटेरिया है। तो उसमें जो है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है जो इसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो होगा सॉरी, तो वो आगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो वो आपके पास मैक्सिमम है फॉर एग्जाम्पल ओमेगा वन जो है ना आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ओमेगा टू जो है आपके पास मिनिमम जो एंगुलर स्पीड है। ठीक है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा टू का स्केयर हम ले लेते हैं। तो इसमें जो है ना इसको हम यहाँ से जो ना आई हाफ और आई जो ना कॉमन लेके ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि
ठीक है। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक फॉर्म में जो है ना, आपके पास एक इक्वेशन आई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास होता है, ठीक है। इसी तरह हम ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ले लेते हैं, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह आपने इसकी इक्वेशन को ले लिया। तो इसके बाद जो है ना, हमने हाफ आपके पास हाफ ओमेगा वन माइनस ओमेगा, ये जो आपके पास है, ये आपके पास मीन जो है ना वो एंगुलर स्पीड बन रही है, ठीक है। ये जो हाफ और ये ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा वन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, ठीक है। तो आपने इसको इक्वेशन को इस तरह लिख लिया। तो इसमें जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना हमने क्या किया, इसके स्टेप को जो है ना इसमें जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया, जो है ना यहाँ भी जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और इधर भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है ना आप मेगा स्केयर आप ले लिए, यहाँ पे मेगा स्केयर आ गया, यहाँ के पास मेगा वन माइनस मेगा टू ओवर ओमेगा आ गया डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो ये आपके पास जो है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन जो है ना आपके पास आ गया सी एस, जिसको हम कहते हैं। तो इसको जो है ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई ओमेगा स्केयर इंटू सी एस आपके पास आ गया। आई को फर्दर अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम के स्केयर के फॉर्म में एम के स्केयर ओमेगा स्केयर इंटू सी एस। तो ये जो आपके पास जो है ना वो अगर हम इसको टू और इधर से भी टू से जो है ना वो मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ये आपके पास जो हाफ आई ओमेगा स्केयर जो होता है वो ये वाला जो है वो ई के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे अगर हमें टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आगे पास ये वाला आ गया टू, और हाफ जो है इसके साथ आप ई के साथ और ये टू आगे पास सी एस के साथ आ गया। तो ये इक्वेशन है, इस तरह आप इसको जो है डायनेटिक एनर्जी को इस तरह लिख सकते हैं। ये इक्वेशन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो आगे पास ये फॉर्म है, ये इक्वेशन को जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं। तो द रेडियस ऑफ गायरेशन में भी टेकन इक्वल टू द मीन रेडियस ऑफ द रिम, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन को जो है ना हम बेसिकली मीन रेडियस ऑफ रिम ले लेते हैं, बिकॉज के जो है ना थिकनेस ऑफ रिम जो है ना वो वेरी स्मॉल होती है, और एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ द रिम, जो डायमीटर ऑफ रिम्स के से देखा जाए तो वो हम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो के को जो है ना आर के ऊपर लिख रहे थे, कैपिटल आर के ऊपर। तो हम डेल्टा ई ई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आगे पास के की वैल्यू थी, तो यहाँ हमने कैपिटल आर स्केयर लिख लिया, एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर इंटू सी एस आ गया, ठीक है। तो ये आगे पास मेन इक्वेशन है, तो ये हम मोस्टली जो है ना इक्वेशन का यूज करेंगे काफी जो है ना आप काइनेटिक एनर्जी को चेंज एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको जो है ना फर्दर यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना ये ओमेगा स्केयर आर स्केयर जो है ना वो वी स्केयर भी आ सकता है, लेकिन कम यूज होते हैं हमारी, मोस्टली यही इक्वेशन यूज होती है, ठीक है। तो इन द अबव इक्वेशन ओनली मास मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिम इज कंसीडर्ड एंड द मास मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द हब एंड रिम इज निग्लेक्टेड, ठीक है। तो इसमें जो है ना मास मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिम जो है ना हमने कंसिडर किया है, बाकी जो है ना हब और रिम्स का जो है ना वो हमने जो है ना उसको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो देखनी है, क्योंकि उसकी जो है ना इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, कंट्रीब्यूशन नहीं होती। जो मेन आपके पास पार्ट होता है वो आपके पास इसका जो है ना वो रिम ही होता है, उसी में ज़्यादा आपकी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ भी है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मेजर पोर्शन ऑफ द वेट ऑफ द फ्लाई व्हील इज इन द रिम, ठीक है। जो आगे बाद मेजर पोर्शन होता है फ्लाई व्हील का वो रिम में होता है, और स्मॉल पोर्शन जो है ना वो हब और आर्म्स में होता है, वो बस एक सपोर्ट के लिए होता है। बेसिकली जो मेन जो आगे पास वो होता है वो इसी आगे पास रिम का वो होता है। ऑल्सो द वैन आर वेरी नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ एनर्जी आर वेरी स्मॉल, वो चूंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होते हैं, इसकी वजह से जो मास मोमेंट ऑफ एनर्जी है जो ना वो हब का और आर्म का वो वेरी स्मॉल होता है, इस वजह से हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ कास्ट में भी टेकन एज 7260 kg/m³ एंड फॉर कास्ट स्टील एंड में भी टेकन एज 700 kg/m³, जो है ना वो ये आप इसको इस तरह ले सकते हैं। द मास ऑफ द फ्लाई व्हील जो है ना आपके पास जो गिवन होगा, हम उसको जो ना वो इस तरह लिख सकते हैं, मास जो है ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, 2 π r इंटू एरिया उसका मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी रो आपके पास आ गया, जबकि एरिया जो है वो b इंटू t आपके पास एरिया आ गया। और नोइंग द रेशियो ऑफ b डिवाइडेड बाय t व्हिच इज यूजुअली टेकन एज 2, व्हिच वी मे फाइंड द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ रिम, तो
तो हम इससे जो है ना वो विड्थ और थिकनेस भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसको रेशियो को लेते हैं बी बाई टी जो है ना वो, या जो है ना वो बी इक्वल टू टू टी ले लेते हैं, तो आप उससे जो है ना वो थिकनेस भी वैल्यू की जो है ना पता निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल जब हम करेंगे वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। व्हेन द फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू यूज एज प्लिंथ द विड्थ ऑफ द रिम शुड बी टेकन एज 22 40 mm ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द बेल्ट। ठीक है, जब आप फ्लाई व्हील को जब यूज कर रहे हैं एज अ पुली, उसमें जो है ना विड्थ ऑफ द रिम जो है ना वो आपने जो है 22-40 mm जो है ना लेना है ग्रेटर देन जो है ना विड्थ ऑफ बेल्ट है ना, जो बेल्ट की जो विड्थ है उससे जो है ना 20-40 mm जो है ना आपने ग्रेटर उसकी विड्थ लेनी है। ये एक जनरल रूल है ताकि वो जो बेल्ट है वो उसके अंदर स्लिपेज ना हो, उसमें जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि वो बेल्ट उतर जाए और जो ना कि जो मशीन है उसका नुकसान हो। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। आपके पास जो है ना वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन इन द फॉलोइंग स्केल। टर्निंग मोमेंट जो है ना आपके पास 1 mm है और 5 1 mm इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर है, और कैग एंगल जो है ना वो आपके पास 1 mm टू 1 mm इक्वल टू 1 डिग्री है। ये बेसिकली स्केल है आपके पास, जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो बनती है उसमें जो है ना आप इसको लेते हैं। तो इसको जो है ना सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि ये आपके पास 1 mm है, ये आपके पास 1 mm है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वो एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है आपके पास 1 डिग्री जो है ना, इसको बेसिकली हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन के अंदर, जो आपके पास पाई बाय 180 बन जाता है। तो आप इसको इस तरह जो आगे बाद जो भी एंगल होता है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे बाद रेडियन के अंदर आ जाता है। तो उसको जो है ना फिर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आगे भी चल के हम देखते हैं आगे चल के। और इसके बाद जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिपीट्स इटसेल्फ एट वेरी हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द इंजन एंड द एरिया अबव द बिलो द मीन टर्निंग लाइन टेकन इन ऑर्डर एज 295 685 40 340 960 इनटू 70। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो प्लस माइनस का निशान नहीं है कि कौन सा जो है ना ऊपर है कौन सा जो है ना नीचे है, बिलो द टर्निंग जो है ना मोमेंट लाइन के नीचे है। तो इसमें हमने अज्यूम भी कर लेना है, जो जब आगे इस तरह की सिचुएशन होगी उसमें हमने अज्यूम भी करना है कि जो पहला आगे पास टर्म है वो आगे पास पॉजिटिव है और ये आगे पास नेगेटिव है, और इस तरह ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस तरह आपने जो है ना वो अज्यूम करना। अगर आगे पास इक्वेशन के अगर आगे पास अगला जो वहीकल है उसमें देखेंगे आप यहाँ पे वैल्यूज की गिवन होगी, तो इस तरह अगर आगे पास गिवन नहीं है तो आप इसको ज़ूम कर सकते हैं, ये आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह हम इसको ले सकते हैं। तो डिटरमाइन द मास ऑफ 300 mm डायमीटर ऑफ द फ्रेम व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है ना आपके पास वो 0.3% आ गया एंड द इंजन इंजन रन एज 1800 RPM, तो इसकी स्पीड आ गई। और डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिम व्हेन द विड्थ ऑफ द रिम इज ट्वाइस द थिकनेस ऑफ ट्वाइस ऑफ द थिकनेस। तो आई थिंक जो है यहाँ पे जो विड्थ जो है ना वो आगे पास आ गई वो 2t के इक्वल है, और इसमें जो डेंसिटी है वो आप 720/50 जो है ना 7250 ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना आपने करना ये है कि इसको जो है ना सॉल्व करने के लिए अब आपको जो है ना वो यहाँ पे मैस फाइंड करना है आपने सबसे पहले। तो डिटरमाइन द मैस आपने फाइंड करना है, तो ये मैस को फाइंड आउट करने के लिए ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। आपके पास जो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है कुछ नहीं है, आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है ना डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास जब डेल्टा ई की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर जो है ना हम जो है ना उसमें मैस की जो है ना मैस की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो आप मैस की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो मैस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसने कहा है कि आपने जो है ना वो विड्थ थिकनेस जो है ना क्रॉस सेक्शन जो है ना वो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना आप एम इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू ए इंटू रो जो है ना इसके थ्रू जो है ना आप वैल्यू जो है ना वो निकाल लेते हैं थिकनेस की, और जो है ना वो आपके पास जो ये आपके पास एरिया और ये जो पी इंटू टी है यहाँ से आप विड्थ और जो है ना थिकनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वही इसने हमें जो है ना फाइंड आउट करने का क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिम एंड द विड्थ ऑफ द रिम जो है ना ये है। तो इस तरह आपने जो है ना वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है ना वो नंबर गिवन है, क्या क्या चीज़ आपके पास गिवन है, तो इसमें जो है ना आपके पास ये वैल्यूज आ गई। तो इसमें आपने जस्ट जो है ना वो ओमेगा आपके पास क्या है कि इसमें जो क्योंकि स्पीड आपके पास 1800 RPM गिवन है, तो आपके पास ओमेगा 2 पाई इंटू n/60 जो है ना आपके पास फॉर्मूला है, तो इसके थ्रू आप जो है ना वो ओमेगा की वैल्यू निकालें जो क्या पास आती है 188.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गए। सबसे पहले हम जो है टर्निंग मोमेंट इसके जो है ना एक स्केल निकाल लें, उसके बाद हम इसके डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम डेल्टा ई को कैलकुलेट करेंगे। तो
इसमें से जो है ना मैक्सिमम मिनिमम माइनस करके हम डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, तो आपने जो है ना वो क्या किया कि जो है ना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम फ्लक्चुएशन टर्निंग पॉइंट डायग्राम इज शोन इन फिगर, आपने फिगर बना ली इसकी। ये फिगर है, मैंने बताया पहले आपने पॉजिटिव ले लिया, दूसरा नेगेटिव है, ये एरिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो इस तरह आपने जो ना एक एरिया बना लिया, फिर उसका जो ना स्केल डिफाइन कर लेते हैं हम। तो स्केल ऑफ टर्निंग मोमेंट जो ना आपको बताया था 5 1 mm इक्वल टू 5 Nm है, उसके बाद क्रैंक एंगल जो है ना आपके पास 1 mm इक्वल टू 1 डिग्री है, जो कि पाई बाय 180 रेडियंस के ऊपर लगता है। तो 1 mm स्केल जो ना टर्निंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, मैंने बताया था कि इस इक्वेशन इसको जो ना हम 5 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कन्वर्ट करके पाई रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो जो है ना फिर हम जो डेल्टा ई वैल्यू निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपका जो स्केल एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उसका। तो आपने ये 5 × जो है ना π/180 कर लिया, तो उसमें आपके पास 0.087 Nm आ गया आपके पास। अब हम जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसमें चेंजिंग आ रही है डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि लेट द टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू ई, तो ये आपके पास जो जो इसकी जो है ना वो ए की जो वैल्यू है यहाँ पे एनर्जी है कोई भी ई हम उसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो जो है ना उसको जो है ना तो हम किस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास बी पे जो है वो क्या होगी कि ई प्लस 295 जो है ना एनर्जी होगी आपके पास, और एनर्जी एट सी जो है ना वो आपके पास क्या होगी ई प्लस 295 माइनस 685 जो कि बनती है ई इक्वल टू माइनस 390। और इस तरह डी पे आप निकालेंगे उसमें फिर आप जो ना प्लस 40 को ऐड कर लेंगे, तो आपके पास इसी में जो ना प्लस 40 हो जाएगा तो वो ई माइनस 350 हो जाएगा, फिर उसमें जो ना फिर अगेन जो ना वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा तो आपके पास वो माइनस 340 करेंगे उसको, तो आपके पास वो माइनस 690 आ जाएगा आपके पास। तो अब इसमें जो ना फिर जो ना आगे पास जो वैल्यू है वो प्लस हो रही है 960 के साथ, तो ये आगे पास जो है ना वो 2e+270 आ जाएगा, और लास्ट में जो है ना फिर ई जो है ना क्योंकि यहाँ पे फिर इससे कट जाएगा वैल्यू, जो आगे पास लास्ट वैल्यू आएगी -270, तो आगे पास अगेन जो है ना वो ई कैपिटल जो है ना वो आज जी पे आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं, आप देखें तो मैक्सिमम एनर्जी जो है ना इसमें आगे पास यहाँ पे 270 है, 690 है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये 290, ये आगे पास जो है ना वो मैक्सिमम एनर्जी आ गई, जो आगे पास मैक्सिमम जो एनर्जी हो रही है वो ये आगे पास में आ रही है, और मिनिमम आपके पास कहाँ आ रही है, मिनिमम अगर आप ये देखें -390 है, ये -350 है, -690 है, तो ये आपके पास जो है ना वो सबसे कम वैल्यू है एनर्जी की इस जो है ना टेबल, इस जो है ना ग्राफ के अंदर। तो इसमें जो है ना ई -690 को ले लेते हैं, तो इसमें जो आपके पास ये ई +295 और ई -690 आपके पास वैल्यू आ गए। तो अब सबसे पहले अब है जो है ना डेल्टा ई की वैल्यू हम निकालते हैं, डेल्टा ई क्या आपके पास होगा मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, तो ये आगे पास प्लस माइनस जो है ना आगे पास हो जाएगा, इसको जो ना माइनस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ये जो ना आगे पास आ जाएगा 985 mm स्क्वायर। तो अब ये mm स्क्वायर जो है ना आपने चूंकि मैंने बताया था कि एक हमने स्केल निकाला था, तो स्केल को जो ना हम जस्ट जो ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपने 0. यहाँ पे 087 जो ना निकाला है, तो ताकि जो ना वो आपका जो एक्चुअल मतलब ये जो आपको गिवन होता है उसमें जो ना वो एक जो ना एक डिफरेंट स्केल के अंदर गिवन होते हैं, इसमें जो वैल्यूज गिवन होती है एरियाज वगैरह की, तो इसको जो ना फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। उस कन्वर्ट करते हैं तब जाके जो ना हमारे पास एक्चुअल एनर्जी की वैल्यू आती है। तो आप इस 0.087 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 985 से, तो ये आपके पास आ जाएगी 86 Nm जो ना आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ गई एनर्जी। अब हमने मैंने बताया आपको फॉर्मूला है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का, डेल्टा ई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू सी एस, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका हम यूज करते हैं मैच निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, और इसमें आर की वैल्यू भी गिवन है आपके पास ऑलरेडी, ओमेगा की वैल्यू हमने शुरू में निकाल ली थी, सी एस की वैल्यू भी गिवन है ऑलरेडी, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। मैच की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, ये आपने निकाल ली है, तो आर स्क्वायर जो ना आपने यहाँ पे आर स्क्वायर जो आपके पास वो जो आर की जो वैल्यू है वो आपके पास 0.15 आई है, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास 188.5 आ गई है, और जो है ना इसमें जो सी एस की वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 0.3 जो है %, ठीक है, ये आपके पास 0.3% आपके पास वैल्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की। तो ये आपके पास वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसको जब पुट करेंगे वैल्यूज को तो आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 35.8 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मैथ की। अब आप क्रॉस सेक्शन जो है ना, सेकंड पार्ट आपको जो है ना वो क्रॉस सेक्शन ऑफ लेवल निकालना हमने, तो उसमें आगे पास थिकनेस एंड ब्रिटनेस, यहाँ पे जो आगे पास मेरिकल के बाद तो उसमें बताया था जो विड्थ है वो 2 टाइम ऑफ थिकनेस है, बी इक्वल टू 2t है, यानी कि तो एरी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ रिम जो आगे पास हो गया है, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू टी, क्योंकि आगे पास हो जाएगा बी जो है ना वो 2t इक्वल है, तो ये 2t जो है ना मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, तो आगे पास 2t² आ जाएगा ए की वैल्यू। तो अब आप जो है ना इसमें जो आपके पास फॉर्मूला था नेक्स्ट, जो उसमें आपने मैथ का फॉर्मूला था डेंसिटी इंटू जो है वॉल्यूम के साथ आपने वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह जो है ना उसमें क्रॉस सेक्शन जो है ना एरिया वगैरह फाइंड आउट करने के लिए है फॉर्मूला। तो आप उससे जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35.8 इंटू आगे पास ये जो है ना वॉल्यूम आ गया ए मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इंटू ई आगे पास डेंसिटी आ गई, ए जो है ना आगे पास 2t² है और आगे पास 2 पाई आर जो है वो 2 पाई कैपिटल आर आगे पास 0.15 की बने और डेंसिटी 7250 आगे पास ये बना। तो इस तरह जो है ना आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आगे पास आती है 0.051 और ये जो है ना 51 मिलीमीटर आगे पास आ जाती है। और आपको पता है जो बी की वैल्यू वो 2t है, 2 टाइम ऑफ थिकनेस है, तो आप इसको जस्ट जो है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे पास ये बी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो है ना आगे पास अगेन सारी चीजें बिल्कुल स्टेप वही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये माइनस माइनस प्लस के साथ जो है ना इसने जो है ना वो वैल्यूज दे दी हैं, तो अब आपने आपके लिए और भी सिंप्लीफाई हो गया कि आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें जस्ट जो इक्वेशन जो एक वो बनाएंगे अपना जो डायग्राम बनाएंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो उसमें जस्ट जो है ना वो ये वैल्यू माइनस जो नेगेटिव में चलेगी, प्लस जो है ना वो पॉजिटिव में आ जाएगी आपके पास। तो आप इसको डायग्राम बना लेंगे, तो इसमें जो स्केल है आपके पास वो 1 mm इजिकल टू 70 न्यूटन मीटर है और न्यूटन मीटर है, और आपके पास जो है ना वो 1 mm जो है ना वो 4.5 टाइम के डिग्री के इक्वल है। तो 4.5 टाइम के डिग्री के इक्वल होने का क्या मतलब है कि ये जो है ना पाई बाय 40 जो ना बेसिकली वैल्यू बनती है, जो कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ 70 पाई बाय 40 जो है ना आपके पास वैल्यूज है मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको 5.5 न्यूटन मीटर आपके पास वैल्यू आ गई इसके जो है ना जो स्केल है। इसमें जो डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी उसको जो ना से मल्टीप्लाई करके हम डेल्टा ई की एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे, और फिर अगेन उसको उसी तरह जो ना आपने निकालना यहाँ पे क्या है फाइंड द मैस निकालना है, हमने उसी तरह मैस निकालेंगे फिर क्रॉस सेक्शनल मीन ऑफ द व्हील एरिया और जो विड्थ थिकनेस जो आपके पास वैल्यूज है उसको निकालना है हमने। ठीक है, तो आप डायग्राम बना ले, तो सबसे पहले आपने जो है ना डायग्राम बनानी है इस न्यूमेरिकल से डायग्राम सबसे पहले बनती है। तो ये -35 के साथ था तो ये नीचे आ गया, और ये +410 जो है ना वो आगे बाद ऊपर चला गया, इस नंबर 285 325 335 260 365 285 एंड देन अगेन 260 आगे पास आ गया। ठीक है, तो इन वैल्यूज में आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है ना वो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कि लेट टोटल एनर्जी जो है ना ए पे जो है ना वो आगे पास कोई भी ई की जो है ना वैल्यू है, एनर्जी की कोई भी वैल्यू है, तो वो नेक्स्ट जो बी पे होगा वो ए जो है ना नेगेटिव जो है ना 35 होगा, बी पे आपके पास वो +410 आ जाएगा और सी पे जो है ना वो फिर अगेन सॉरी सी पे आगे पास +410 आ जाएगा और जो है ना वो फिर डी पे फिर -285 के साथ जो है ना वो वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये आगे बार डिफरेंट जो है ना वो वैल्यूज आ गई, तो +375 +90 +414 +80 +340 -25 और +260 आपके पास। तो अब आप इसमें देख लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम कौन सी वैल्यू है, तो इसमें जो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है वो आपके पास ये एट ई पे जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है ई +414, और जो सबसे कम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास इसमें जो ये वाली वैल्यू जो है ना ई -25 जो है ना ये गलत, और कोई नेगेटिव का साइन तो नहीं है जी, ये वैल्यू आपके पास जो है ना वो सबसे कम वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम माइनस जो है ना आप इसको मिनिमम जो है ना वो कर देंगे,
है, तो ये आप जो है ना वो आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई मिनिमम, और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसमें वैल्यू सपोर्ट करेंगे 415 आपके पास मैक्सिमम आ गई और ये मिनिमम आपके पास आ गई। तो इसमें जो है ना आप वैल्यू सपोर्ट करेंगे, तो इसमें वैल्यू जो है ना पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की, वो आपका 450 मिलीमीटर स्क्वायर आ गई। तो अगेन इसको जो है ना वो हम जो है ना वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम का जो स्केल था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास था 5.5। तो उससे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है ना वो 2475 जो है ना आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा ई की। तो अगेन डेल्टा ई की वैल्यू आने के बाद आपने मैस अब कैसे फाइंड करना है, तो एम मैस फाइंड करने के लिए डेल्टा ई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू सी एस आपके पास जो फार्मूला होता है यूजली इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है ना वैल्यू सपोर्ट करने के बाद आपके पास जो मैस की वैल्यू है 132 kg आ गई। ठीक है, क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए अगेन वो सिंपल फार्मूला है जो कि हम लास्ट टाइम हमने यूज किया था, वेट जो है ना वो थिकनेस है, 2 टाइम ऑफ थिकनेस है। तो इसमें जो वैल्यूज हैं डिफरेंट वैल्यूज आप निकाल लेते हैं। तो दूसरा जो आगे पास जो जो मास ऑफ लैबिल जो है ना वो निकालने के लिए क्या होता है कि आगे पास जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम जो है आगे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर आ गया कैपिटल आर, और ये आगे पास रो की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो है ना आपने जो है ना वो अगेन जो है ना टी की वैल्यू निकालने है जो क्या पास आती है 0.067 या 67 मिलीमीटर, और बी की जो है ना आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं 2 टी के इक्वल है, तो वो आगे पास डबल हो जाएगा। इसी तरह के बाद जो वैल्यू आएगी वो 134 मिलीमीटर आ जाएगी। अच्छा, अब ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें जो ना थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें जो ना हम देन टर्निंग मोमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली देखेंगे कि आप डेल्टा ई की वैल्यू किस तरह और जो ना इसका और तरीका हो सकता है निकालने का। तो इसमें जो ना हम जस्ट जो ना वो सिंपली जो ना वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके पास गिवन है वो पी की वैल्यू गिवन है 150 किलोवाट, 750 × 10³ वाट जो है आपके पास गिवन है। एन की वैल्यू जो है ना वो 80 RPM गिवन है। सी की वैल्यू आगे पास 0.1 गिवन है। W1 − W2 = 2 ± 2%। ये बड़ी अहम चीज़ है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है वो आगे पास वो ±2% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आगे पास जो फ्लक्चुएशन है वो +2, +1, −1 और −2, ये चार जो ना वैल्यूज के अंदर वो फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि W1 − W2 जो ना आपके पास वो इक्वल है 4% ऑफ मीन स्पीड, मतलब ओमेगा के जो ना वो इक्वल है W1 − W2 = 4% ऑफ मीन स्पीड। तो मीन स्पीड आपके पास क्या होती है, ओमेगा होती है। तो सबसे पहले आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा आपके पास क्या है कि वो 2 π n/60 से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 π n/60 से आपके पास की जो वैल्यू आती है वो 8.4 रेडियन पर सेकंड आती है। और आपको मैंने बताया फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो हमने 2% जो है ना वो मीन स्पीड का लिखा है, वो आगे पास W1 − W2 = 4% ऑफ जो है ना वो मीन स्पीड आपके पास जो है ना वो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड आ जाती है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो आपके पास होता है ओमेगा 1 − ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा जो कि आपके पास होती है 0.04 इक्वल होती है। तो इसमें जो है ना आपने अगेन जो है ना वो डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा ई की वैल्यू निकालने का जो अल्टरनेट जो तरीका है वो आपके पास है वर्क डन पर साइकिल का जो फॉर्मूला था उसके थ्रू जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ पे वैल्यू नहीं की फॉर्मूला नहीं की बन, तो इसमें जो आगे पास जो फॉर्मूला है वही सिंपल जो आगे पास फॉर्मूला है वही यूज होगा यहाँ पे। तो इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आगे पास इक्वल होता है बेसिकली वो सी ई के इक्वल मल्टीप्लाई बाय बर्डन पर साइकिल के इक्वल होता है। तो अब इसमें जो ना आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू नहीं है वो आपने निकालनी है, और उसके लिए जो ना उससे पहले जो ना आपको सी ई की वैल्यू निकालनी होगी। तो सी ई की वैल्यू जो ना निकालने के लिए आप जो ना मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय बर्डन पर साइकिल निकाल लेते हैं। तो इसमें जो ना आपके पास
सी की वैल्यू जो है ना, बल्कि गिवन है, सॉरी, तो सी की वैल्यू गिवन है और इसमें आपको बर्डन पर साइकिल की वैल्यू गिवन है, जो कि आप निकाल लेते हैं पी मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय एन से, है ना, जो है ना वो 181 है, पी आगे पास 150 मल्टीप्लाई 10 बाय 3 गिवन है। इसमें आगे पास जो वैल्यू है ये पावर है इसकी जो है वो बर्डन पर साइकिल की, वो 112,500 न्यूटन मीटर आई आगे पास, ठीक है। तो इसमें जस्ट जो है ना वो आपने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो है आपके पास निकालने के लिए आप सी को जो है ना वर्क डन पर साइकिल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे पास वो सी मल्टीप्लाई वर्क डन पर साइकिल, सी जो है आपके 0.1 है, वर्क डन साइकिल जो है ना वो 112,500 है, तो जो कि इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आती है वो 11,215 न्यूटन मीटर आपके पास वैल्यू आती है इसकी। तो सिंस 95% ये आगे बाद हमारे मतलब गिवन है, 5% रोटेशनल इनर्शिया प्रोवाइड बाय हब एंड स्पोक से फॉर द मैक्सिमम फ्लेक्शन ऑफ फील्ड रिम विल बी 95%, तो 5% जो है ना वो आगे बाद हब एंड स्पोक से आती है, जो आगे पास हब है और स्पोक्स है, तो इससे जो है ना आगे पास 5% जो है ना वो एनर्जी आती है, तो हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, चूंकि है, इस वजह से आगे पास जो रिमेनिंग आगे पास 100 में से जो 5% इसकी जो वैल्यू है वो निकालने के बाद आगे पास वो 95% जो वो इस पर जो ना रिम के थ्रू जो ना पावर ट्रांसमिशन होती है, तो इसको जो ना मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी जो ना इक्वेशन को 95% से जो 0.95% बनती है, तो उसकी वैल्यू आगे पास आ जाती है 10,687.5 न्यूटन मिलीमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर आगे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली है, डेल्टा ये आपके पास आ गया, आपने मास की वैल्यू निकालनी है, मास के लिए वही फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डू सी एस, जो कि इक्वल होता है डेल्टा ई के, तो डेल्टा ई की वैल्यू आप निकाल लिए 10,687.5, और इसमें जो है ना वो एम की वैल्यू आपने निकालनी है, तो उसके लिए जो है ना आर के शेयर की वैल्यू भी गिवन है आपके पास 1, जो कि रेडियस का जो है ना डायमीटर 2 गिवन था, और इसी तरह जो है ना वो ओमेगा की वैल्यू भी आपने निकाली है और सी एस की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, तो आप इसको जो है ना वो वैल्यू को इस तरह निकाल सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो इसका जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिम जो है आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो हमें निकालनी है वो आपके पास, और आपको पता है कि वो जो है ना वो मैस इंटू एरिया इंटू जो है ना वो डेंसिटी होता है, तो ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू पी रो जो है ना, यानी कि जो ना ए मल्टीप्लाई बाई टू पाई आर जो है पास 1 गिवन है, चूंकि डायमीटर 2 गिवन है तो उसको रेडियस हम 1 ले लेते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास जो है ना वैल्यू आती है 45,245 न्यूटन जो है ना वो इस टर्म की वैल्यू आ जाती है इस तरफ से आपके पास, तो अब आप जो है ना वो एरिया को निकालने के लिए 790 डिवाइड बाय जो है ना वो 7200 को जो है ना सॉरी 45,245 को जो है ना इसके जो है ना रख के उसकी जो है वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू आपके पास आती है 0.084 मीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आएगा, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट डू यू थिंक मोस्ट पावर रॉकेट एवर बिल्ट, जो है ना सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा बनाया गया है, इसका जो है ना क्या वजन था, क्या कितना वो कैलन लेता था, तो आपके पास जो है ना वो फैल्कन हैवी के नाम से जो है ना सबसे हैवी जो है ना वो बनाया गया है अभी तक, तो उससे पहले जो है ना स्पेस शटल का जो था वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो उसका जो वेट था और जो है ना वो उसको लेके जाने की सलाहियत थी, लेकिन उससे पहले उसके बाद अब जो है ना वो ये इन्होंने जो है ना लॉन्च कर दिया गया है, तो जो स्पेस एक्स जो मोस्ट पावरफुल टॉप रॉकेट है बेसिकली ये एक आईएसएस कंपनी जो सॉरी आईएसएस कह रहा हूँ टेस्ला कंपनी ने अपनी जो ना एलन मस्क है उन्होंने अपने लिए एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने वो भेजी है, तो उसमें जो ना वो गाड़ी को जो ना बेसिकली गाड़ी दुनिया के चक्कर लगाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो ना वो चक्कर लगा रही है और वो एक जो ना बड़ा एक करीबी जो ना मार्स के दिन के करीब जो ना मार्स में उतरेगी या जो ना उससे करीब से गुजरेगी, तो उनका एक मिशन है, तो अब वो मिशन कहाँ तक कंप्लीट होता है कहाँ तक नहीं होता ये अलग ही जानता है, लेकिन बताने के मकसद ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको बता दी, तो इनशाला आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अगर आपको इस चीज़ नहीं समझ आती तो हम ऐसे पूछें और जो ना किसी भी थ्रू जो ना चैनल के थ्रू जो ना वो आप इसके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे जाइएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।